आज हम सुनेंगे कहानी मर्द की जिसे दर्द नहीं होता। जय, वो तो मुझे भी नहीं होता है। कल दोपहर के बाद आपके पैर की चिची उंगली खाट के कोने पे लग गई थी तो कौन आधे घंटे तक गाली देकर चिल्ला रहा था। वो तो मैं नशे में स्वाद ले रहा था। स्वाद वाले नशे तो आज के मर्दों ने ले रखे हैं, जो मिठास की पहली मौसम की अम्बी लेके इंस्टाग्राम पे खट्टी मीठी हरकतें करते रहते हैं। कोई चाशनी में डूबा गुड़ डांस निकाल रहा है। और कोई निक्कर छोड़ के पेटीकोट में ही घुस गया है। असंभव, असंभव। और इस चादर मौत को तो इतनी जोर के मिठास लगी थी कि रील बना ली, दाढ़ी नहीं बनाई। जय, तू बैठ के कहानी सुना, इसे इंस्टाग्राम पे ही रहने दे। हाँ हाँ हाँ, तो ये मूवी है छोटे से हिंद राज्य की, जहाँ अभी भी अंग्रेजों का कब्जा है। अंग्रेजों के नाम पे एक ही अंग्रेज है, बॉब द क्रिस्टोफर, वो भी हिंदी में ही बात करता है। लेकिन वो दोबारा हाथ में आएगा कैसे? सब दूर खींचो, जरा मुंह में डालो। और बाकी सारे यही के चबूतरे हैं। लेकिन तुम भी तो हिंदुस्तानी है, जरा मुंह में डालो। हिंद राज्य के पंजाबी राजा दारा सिंह आजाद है। इनके राज्य में यही राजा और सेना है, क्योंकि दारा सिंह के होते हुए वैसे ही किसी की जरूरत ही नहीं। तो ये अकेले ही ब्रिटिश सिपाही टैंक प्लेन के लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन करते रहते हैं। मार्वल यूनिवर्स में अगर दारा सिंह होते तो कब के बैंगनी थैनोस के बैंगन डाल के भरता बना देते, वो भी मटर डाल के। तो ये इतना छोटा राज्य है कि अमीर अंग्रेजों की कोठी के सामने ही धारावी की चोल है, पास में ही बार, अनाथाश्रम, केजीएफ की जेल, नमक का मैदान है, जहाँ मर्द हीरो लेडीज हीरोइन को नमक लगा के उसका सलाद खाते रहता है। मतलब केला अंदर। तो जुबा पे मर्दानगी के इश्क का नमक लगाते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में अंग्रेजों का 14 गेंडुलबर्ग डिक्सन राजा आजाद सिंह के किले से खजाना लूट के वहाँ के लोगों को मार के भग जाता है। इन्हीं में से एक बंदा मरने से पहले आजाद सिंह के पास पहुँचता है, जहाँ आजाद सिंह के लड़का हुआ है और जिसकी डिलीवरी हरामी डॉक्टर हेरी चौतड़ ने करवाई है। तो बंदा गेंडुलबर्ग डिक्सन की चोट बता के मर जाता है। इनके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। और आजाद सिंह पहले ब्रिटिश सिपाहियों की कोलंबिया फाड़ देते हैं और फिर 2 किलोमीटर दूर ग्रेनेड फेंक के 2 फुट दूर खड़े टैंक को उड़ा देते हैं। और फिर उड़ते प्लेन के पंख उधेड़ के अंग्रेजों के 14 गेंडुलबर्ग डिक्सन का टेटुआ दबा के उसकी डिक्शनरी फाड़ देते हैं। यहाँ आजाद सिंह के कॉलेज की फ्लेम लेडी हेलेना जनरल डायर डाइपर और अंग्रेज इंस्पेक्टर सकलिंग साइमन की क्लास ले रही होती है। कॉलेज के दिनों में आजाद सिंह और आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। That's enough, General. और तभी आजाद सिंह दोनों की राज दरबार दबा के विमल की पीक निकाल देते हैं और हेलेना के कहने पे दोनों चबूतरों को छोड़ देते हैं। हम जबान देते हैं लेडी हेलेना, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी। और सकलिंग साइमन आजाद सिंह पे गोली चला देता है और आजाद सिंह साइमन की ब्रिटिश छाती पे भला कर देते हैं। पीठ पर मरा है, सीने पर खाओगे, जरा मुंह में डालो। जिसकी चोट सरक के इसके हाथ पे चली जाती है और डॉक्टर हेरी चौतड़ इसके पट्टी करते करते राजा को पकड़ने का प्लान बताता है। अगर आप चाहें तो ये काम मैं कर सकता हूं। जिसके बदले में उसे राजा आजाद सिंह का ललिता महल चाहिए। हुजूर, अगर आप ये महल इन्हें दे दे, ये अपने स्वर्गवासी बाप को मिला के आपके कदमों में डाल दे, जरा मुंह में डालो। और ये अपने असिस्टेंट गोगो कंपाउंडर के साथ राजा आजाद सिंह को बेहोशी का इंजेक्शन दे के भाग लेता है। सर, जिसका इलाज आपके हाथ में होगा उसे तो गॉड भी ब्लेस नहीं कर सकता। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और देसी अंग्रेज आजाद सिंह को पकड़ लेते हैं। और उससे पहले ही आजाद सिंह अपने बेटे पे मर्द का पहला टैटू बना के अपने बहादुर घोड़े पे मम्मा निरूपा के साथ भगा देते हैं। लेकिन कड़ी की टोपी लगाए कुछ नीले पकौड़े इन पे हमला कर देते हैं और मम्मा निरूपा बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के भगती है। अंग्रेज उन्हें गोली मारते हैं पर वो डाली पे लटक के बच जाती है। इधर अंग्रेज चबूतरे अनाथ आश्रम से बच्चे को उठाने वाले होते ही हैं कि बहादुर घोड़ा उनके लुक, अरे मेरा मतलब है पेल के बच्चे को उठा के ब्रिटिशर के लिए बर्तानिया ब्रेड बनाने वाले जवान रामू काका के पास ले जाता है। पता नहीं जब ना ये घोड़ा कहीं से ले आया था इसको। वहाँ मम्मा अनाथाश्रम में बच्चे को ना देख के घंटा बजाती है और तब कहीं जाके अनाथाश्रम के चाचा चिलगोजा बाहर निकलता है। क्या बात है बेटी, इतना सब कांड हो गया भाई के आश्रम के बाहर, पर भाई अंदर अपना लव चार्जर चार्ज करने में लगा था। और अब मम्मा घबरा के अपने बच्चे को पुकारती है और पति और बच्चे के बाद अपनी आवाज से भी हाथ धो बैठती है।
बॉलीवुड मूवीज में शुरू के 15 मिनटों में इतना दुख दर्द दिखला दिया जाता था कि जनता भी सोचती थी कि अपना दुख बुलाने पिक्चर देखने आए थे बैंकॉक। इन्होंने तो शुरू में इतना दुख दिखा दिया कि आग से पानी, बॉस, रोज की मजदूरी, बच्चे और जनानी सब याद आ गए। इधर अंग्रेजी कबूतरों की बीट आजाद सिंह को मरवाने वाले होते हैं कि आजाद सिंह की फर्स्ट फ्लेम हेलेना उनकी मौत की सजा के बदले उम्र कैद का ऑर्डर लाती है। हाई कमांड का ये फैसला है, उन्हें सिर्फ कैदी बनाकर रखा जाए। और राजा आजाद सिंह अब कैद हो जाते हैं। वक्त का पहिया कब किस वक्त घूम जाए ये कोई नहीं कह सकता। और हाथों हाथ पहिया घूमता है और दिखाई जाती है मूवी की हीरोइन सारा अली खान, अरे मेरा मतलब है सारा की मम्मी अमृता सिंह रूबी। अब सामने लड़की स्कूटी चला रही हो तो फटी रहती है कि बहन कब कहाँ ब्रेक लगा के कहाँ मुड़ जाए पता नहीं, और यहाँ तो ये पूरी कार दौड़ाई पड़ी है। और ये भी मम्मा निरूपा को लपेट लेती है। और तभी तांगे का घोड़ा ये देख के हिनहिनाता है और एंट्री होती है द लेजेंड मर्द अमिताभ बच्चन राजू तांगे वाले की, मतलब केला अंदर। और राजू हाथों हाथ मम्मा निरूपा को बचा के रूबी को रोक के माफी मांगने बोलता है। सिर्फ हाथ जोड़कर इसे कहो कि मुझे माफी। किस बात की माफी? तो ये अपने चमड़े की लीरों की टी शर्ट पहने बिल्ला खुरचन को निकालती है। उस टाइम हीरोइंस और हेलेन से ज्यादा प्रदर्शन यही करता था। तो राजू बिल्ला खुरचन की खुरचन फाड़ के कार के बड़े से बूट स्पेस में फिट कर देता है। खुश होकर मेरे पापा शहर से लाए साइकिल। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। आजकल तो इतने बड़े बूट स्पेस के साथ कोई सेडान आती ही नहीं। अगर आती हो तो कमेंट में बताना, अपनी बकेट लिस्ट में मैं 69th नंबर पे डाल दूंगा। जय, मेरी 68 विशेस पूरी हो गई। नहीं भैया, मेरे लिस्ट की बाल्टी भर रही है, बस पूरी नहीं हो रही है। तो राजू रूबी से माफी मंगवा ही लेता है। ऑलराइट, मुझे माफ कर दो। जा मुई कीड़े पड़े तुझे। जहाँ तेरी मेहरबानियां का भंटू कुकुर बदला लेके मम्मा का झोला ले आता है और भाई नाम पूछने पे अपना मर्द टैटू दिखाता है जिसे मम्मा निरूपा देख नहीं पाती। क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है। और राजू मर्द तांगे वाला गाना गा गा के मम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, जहाँ रस्ते में ओरिजिनल थारा भाई जोगिंदर लोटा डांस निकाल रहा होता है। और घोड़ा अस्पताल की बजाय तांगा अनाथालय ले जाता है। और अब हमें पता चलता है कि आजाद सिंह का बहादुर घोड़ा है जो संतूर से नहा के रोज हॉलैंड का पानी पीता था, इसलिए अभी तक जवान है। वैसे हॉलैंड से पानी कुछ गधे आज भी मंगवाते हैं, पर रहते खच्चर ही है। अब मम्मा को तो शक होता है, पर उससे पहले ही जल्दी चलो, हैरी और साइमन अपनी बस्ती तोड़ना चाहते हैं। और अब राजू मर्द बस्ती की तरफ भागता है, लेकिन रस्सी फेंक के बिल्ला खुरचन इस पे हमला कर देता है। और सकलिंग साइमन इस पे प्लास्टिक की पतली नली वाला पोर्टेबल टैंक चढ़ाने वाला होता ही है कि मुंह में डालो। इस बड़ी बकचोदी को रुकवाने बड़े अरे मेरा मतलब है मैडम हेलेना आ जाती है, जो बड़ी बड़ी बातें करके राजू को छुड़वा देती है। यह शहर को बसाता है, उजाड़ता नहीं। यहाँ राजू भी बड़ी बड़ी बातें करता है। गरीबों की बस्ती को तोड़वा करने के लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते। और अब मेयर हैरी चौतड़ को बड़ी वार्निंग देती है, आज से आपकी मेयर की कुर्सी छीन ली जाएगी। Say what? और ये बड़ी सिचुएशन सुलझा देती है काफी बड़े, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो अगले दिन रूबी राजू को बॉडीगार्ड की नौकरी देने बुलवाती है, जहाँ मसाज के नजारे और राजू के डायलॉग सुन के जवान केविन पैकर्ड अलग ही मजे ले रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया तो वो हमने देखी, और कोई काम हो तो फटाफट बता, धंधे का टाइम हो रहा है। यह राजू का अपना तांगे का स्टार्टअप है, तो वो नौकरी करने से इंकार करके अपना साइज बताता है। आपकी महल का गुंबद बहुत ऊंचा सही, मगर हमारी खुददारी का कद उससे कम ऊंचा नहीं। ये सुन के रूबी उसे बंधवा के पहले कोड़े मार के नमक लगा देती है, और फिर उसके सामने हिंद में अंग्रेजों के राज में स्पेनिश डांस का फ्लेमेंको निकाल देती है। पर तभी भंटू कुकुर आके रस्सी खोल देता है और राजू रूबी को लेके नमक के टीलों में आके इस पे नमक रगड़ देता है, पर इसकी जुबान पे नमक इश्का लग जाता है। पर सैकड़ों चिंगारियां फूट रही हैं। और ये तेज था छोका क्या करूं सीसी करती मैं मरूं गाना गाने लग जाती है। अगर ये पिक्चर नमक आंदोलन करने के बाद गांधी जी ने देख ली होती तो अहिंसा छोड़ के गीली झाड़ू से इस सीन को लिखने वाले की सुताई कर देते। और राजू दर्शकों से पूछ के बताइए कैसे समझाएं भाई से? उसे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताता है। कहीं तो कम से निकले ना तो ये 6 फुट का आदमी 7 साल के लिए अंदर हो जाए। पर रूबी उसे अपनी लीगल एज 20 बताती है, और आखिर 23 साल बड़ा सख्त राजू मर्द पिघल जाता है। ये तो और यहाँ डांसिंग झोपड़ी बन जाती है, पर मर्द के जोहनी सिंस और रूबी के लाना रोड्स बनने से पहले ही भंटू कुकुर उन्हें रोक लेता है कि भाई ये पिक्चर हॉल में चलेगी मोबाइल में XM बर्गर पे नहीं। इधर पापा रामू काका अपना पैसा लेने बाहर जाते हैं, जहाँ सकलिंग साइमन इसे दारू पिला के स्विमिंग पूल में गिरा देता है। मुंह में डालो। पर राजू घोड़ा विद तांगा पूल में एंट्री मार के इसके टकले पे ड्रम घुसा के इसका डेडपूल फाड़ देता है। मुंह में डालो। और फिर इन्हीं के सामने रूबी के बर्थडे पे सुन रूबिया डांस निकालता है।
जहाँ गोगा इसको गोली मारने वाला होता ही है, पर तुम्हारे गलत निशाने की वजह से आज मेरी बेटी की जान चली जाती। इन्वेटर का धक्का लगने से गोली झूमर पे जा लगी। और ये तीनों चबूतरे रूबी की जान बचाने का इनाम देके उसे इनाम दो और उसका इनाम खरीद लो अपनी साइड करने के लिए उसे छोटी झाटा लेनो में बुलाते हैं। अबे इससे छोटी गाड़ी नहीं मिली क्या तुम लोगों को? जहाँ गोरे भले हो पर काला होता है। चलो आज ये तो पता चला कि गोरी सरकार के पास कुछ तो काला काला धन ऐसा काला हो या सफेद ऐसा होता है। चलो मुंह में डालो। गरीबी रेखा ऊपर नीचे पैसों से गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ या गरीबों की बकचोदी करने के बाद राजू मुंह दिल लहू काला का रेसिस्ट गाना गाता है, जहां हाथों हाथ तीनों चबूतरों के कलर प्रिंट आउट भी आ जाते हैं। वाह, अब गोगो कंपाउंडर इस पे गोली चलाने वाला होता ही है कि रूबी इसे रोक लेती है। और ये सब क्या हो रहा है? बनिए मत डैडी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये मेरे लिए कोई फक्र की बात नहीं है डैडी। ये देखो जी, हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। इसकी तमीज देखो, इसकी बात करने की। और जनरल डायर डायपर इसकी शादी अपने हरामी बेटे डैनी लैंगूर लुखा से करवाने बोलता है। रूबी को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका, इसकी शादी मेरे बेटे डैनी से कर दो। और अब दिखाया जाता है KGF, जहां लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है और पता नहीं किसकी अरे मेरा मतलब है खुदाई वगैरह करवाई जाती है। और ऐसे ही मम्मा निरूपा को पकड़ के यहां लाया जाता है, जहां ये जोरों के 14 चबूतरे इन्हें उतारते हैं। और यहां दिखाया जाता है अलादीन के जिन का गुलाबी पनवाड़ी गोटा चोमा देव ओम्फो लहरी विदाउट आई ब्रो। और यहां का लीडर है गरुड़ा का गोबर मीठा काउबॉय डैनी लैंगूर लुखा, जिसके दो ही काम है टोपी गंदी करने वालों को दलदल में फेंकना। अरे इन गंदे हाथों से हमारी एक टोपी मैली हो गई। और बर्मा में लड़ रहे अंग्रेज चबूतरों के लिए यहाँ से खून सप्लाई करना। जो गुलाम काम करने के काबिल नहीं रहते, हम उनका सारा खून निकाल कर इन बोतलों में बंद कर देते हैं, ताकि बर्मा में लड़ने वाले हमारे अंग्रेज सिपाहियों की जान बचाई जा सके। गई हेरी चौथड़ रूबी को भी यहीं भुजवा देता है, ताकि इस काउबॉय के टोपे को ये पसंद कर ले। तुम्हें तो मेरे साथ जिंदगी बितानी है। इम्पॉसिबल। आ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। अब यही दिखाए जाते हैं राजा आजाद सिंह, जो बूढ़े हो गए हैं और खली की आटा चक्की से 25 सालों से सबके लिए आटा पीस रहे हैं। जो चक्की 25 वर्षों से चल रही है, मैं उसे आखिरी सांस तक बंद नहीं होने दूंगा। अब काउबॉय कॉक इनको पानी भी नहीं पीने देता। मेरे हुक्म के बिना आजाद सिंह को पानी न दिया जाए। जिसे मम्मा निरूपा सुन लेती है। यहाँ आजाद सिंह थक के गिर जाते हैं, तो मम्मा निरूपा इन्हें पानी पिलाती है। और गोबर काउबॉय डैनी आजाद सिंह से ही माँ निरूपा को कोड़े लगवा देता है। हम जानते हैं कोड़े तुमने इस औरत पर नहीं अपने दिल पर चलाए। इधर रूबी KGF से भाग लेती है। यहाँ जो आता है हमारी मर्जी से आता है और जाता भी हमारी मर्जी से। रूबी मैम साहब कमरे से भाग गई हैं। क्या? हमारी मर्जी से आता है और जाता भी हमारी मर्जी से। और वहाँ राजू भी आ जाता है और दोनों भगते हैं, पर पुल पे काउबॉय का टोपा प्लास्टिक के टैंक पे आ जाता है और राजू दलदल में गिर जाता है। और काउबॉय कॉक रूबी को लेके निकल जाता है, लेकिन भंटू कुकू घोड़े की मदद से भाई को बचा लेता है। इधर हरामी काउबॉय बस्ती में आग लगा के रामू काका को उठा ले जाता है। बीमारों का वहाँ कोई काम नहीं। और तब राजू वहाँ आता है, पर मम्मा मरने से पहले उसकी लाइफ का झिंगा लाला नटशेल बता देती है। आश्रम की झोली से उठा लाया था। अब राजू अस्थियों के साथ चिट्ठी लिख के गंगा में बहा देता है। वहाँ मम्मा निरूपा के साथ पापा रामू काका करवा चौथ का डिस्कशन कर रहे होते हैं। आज आपने अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है, मेरी बीवी ने भी रखा होगा। कि तभी उनकी मोए मोए हो जाती है। इसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसका देहांत हो गया। आज आपने अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है, मेरी बीवी ने भी रखा होगा। ये चिट्ठी माँ निरूपा भी पढ़ लेती है। राजू तुम्हारा बेटा है। और पापा रामू काका जिनके गुलाबी सुपाड़े को दबोच लेते हैं और मम्मा को भगा देते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। और मारे जाते हैं। इधर राजू शेरा वाली माता के सामने प्रार्थना करता है, तो वहीं एक शेर जोरों के चबूतरों की जीरो खोल के मम्मा को नमस्ते करके नाव पे बिठा के रवाना कर देता है। और मम्मा गिरते पड़ते आखिर मंदिर पहुँच जाती है, जहाँ उनका बेटा और आवाज दोनों वापस मिल जाते हैं। सही बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। अब राजू मेक्सिकन पोंचो पहन के आजाद सिंह को आजाद करने निकलता है। पिताजी मैं आपका बेटा राजू आपको रिहा करने आया हूँ। जहाँ घोड़े के रोंगटे फिर खड़े हो जाते हैं।
पर भाई की फीलिंग्स की किसी को कदर नहीं और राजू उसे भगा देता है। हेलो क्यूटी पाई। और तभी आजाद सिंह का मास्क उतार के उसके नीचे से चमकते सुपाड़े की तरह साइमन निकलता है। ले जाओ उसे। इधर राजू का मास्क लगा के बिल्ला खुरचन, मेरे मालिक अगर घूमते हैं तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकाल कर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूं। आजाद सिंह को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। क्यों आजाद सिंह, तुम्हें मंजूर है? अगर ये मौका मुझे दिया गया तो मैं समझूंगा मेरे दुश्मन का पहला एहसान है मुझ पर। अब ये चबूतरे नकली आजाद सिंह को एरिना में भेजने का बोलते हैं, जिसकी जानकारी रूबी राजू को दे देती है। कल जो आदमी तुमसे लड़ने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का नकाब पहने उन्हीं का आदमी होगा। और अगले दिन एरिना में बाहुबली आजाद सिंह रोमन ग्लेडिएटर बनके आते हैं। और फिर एंट्री होती है राजू मिस्टीरियो की। दोनों में गुथाई शुरू हो जाती है जिसमें आजाद सिंह को मर्द का टैटू दिख जाता है। तुम्हारे सीने पर ये मर्द कैसे लिखा है? और राजू भी पापा दारा सिंह को पहचान लेता है। चेहरे पर नकाब होता बेटे तो टूटता है, उससे खून नहीं निकलता। अब मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटे। और पापा से जंपिंग जैक लेके राजू जनरल डायर का डायपर फाड़ देता है। और अफरा तफरी मच जाती है जहाँ सकलिन साइमन फिर पतली तोप लेके आ जाता है और दोनों पे ग्रेनेड फेंकता है, पर दोनों ग्रेनेड वापस उसी के पास सप्लाई कर देते हैं। और ये भूतिया ग्रेनेड लेके ढक्कन बंद कर लेता है और इसकी गोदाम के साथ टैंक के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हेरी चौतड़ और बिल्ला खुरचन विनोदी स्वभाव के गोगा के साथ टैंक पे मम्मा और हेलेना को बांध के लाते हैं, पर बाप बेटे तीनों की गोदामे टैंक में फिट करके मम्मा और हेलेना को छुड़ा लेते हैं और टैंक के साथ बिल्ला की खुरचन उधड़ जाती है और हेरी चौतड़ की गोदाम असिस्टेंट गोगो कंपाउंडर के साथ दलदल में धस जाती है। अब घरवाली और बाहरवाली के साथ आजाद सिंह मजे लेने वाले होते ही हैं कि मीठा का काउबॉय गोली चला देता है और हेलेना एक बार फिर अपने पहले फ्लेम की जान बचा के मर जाती है। सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी किया, तूने क्या सुना। उधर रूबी काउबॉय की जैकेस गोदाम पकड़ के ले जाती है, पर डैनी लैंगुर लुखा हालात बदल के इसे टैंक में ले जाने वाला होता ही है कि भंटू कुकुर टांगा ड्राइव करके वहाँ आ जाता है और टैंक के नीचे पेट्रोल बम फोड़ देता है और डैनी उसी टांगे पे भगता है। और अब राजू अपना लो अरे मेरा मतलब है घोड़े को खड़ा करके इसका पीछा करता है। इधर भोंदू गोगो कंपाउंडर अभी भी जिंदा है जो टांगे को राजू का समझ के उड़ा देता है और काउबॉय कोक इसके कंपाउंडर का डॉक्टर निकाल देता है। तभी वहाँ राजू आ जाता है और दोनों में लास्ट गुथाई होती है और भैंस का गोबर काउबॉय कॉक आखिर दलदल में गोबर के कीड़े की मौत मर जाता है। और अब राजू शादी करके पापा दारा सिंह के कंधों पे बैठ के ये पिक्चर एंड करता है।